नमस्कार। मध्य प्रदेश समेत देश भर में तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। शनिवार को चुनाव की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद नकुल नाथ नए अंदाज में नजर आए। वे शाम 6 बजे करीब मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित पोहे की दुकान पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने चटपटे पोहे का स्वाद लिया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने पोहे का चटपटा स्वाद लेने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर स्वागत किया। छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ने प्रदेश से कांग्रेस की तैयारियों को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और आगे उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनावों से ही तैयारियों में जुटा हुआ हूँ। नकुल नाथ ने संतना सांसद गणेश सिंह के अस्त्र शस्त्र वाले बयान पर कहा कि बीजेपी की यही प्रवृत्ति रही है। बीजेपी के 400 पार वाले बयान पर नकुल नाथ ने चुटकी ली और कहा कि यह सिर्फ नारेबाजी है। बता दें कि कांग्रेस ने मौजूदा सांसद नकुल नाथ को फिर से छिंदवाड़ा सीट से टिकट देते हुए भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ और बीजेपी के विवेक बंटी साहू के बीच यहाँ पर मुकाबला होगा। चुनाव आयोग ने शनिवार को तारीखों की घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर 4 चरणों में मतदान कराने का फैसला लिया है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इस दौरान 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में सीधी शहडोल जबलपुर मंडला बालाघाट छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव होंगे। यानी कि नकुल नाथ की सीट पर 19 अप्रैल को ही यानी कि पहले चरण में ही मतदान होगा। मध्य प्रदेश में दूसरा चरण 26 अप्रैल को है, तीसरा चरण 7 मई, जबकि चौथा चरण 13 मई को होने वाला है।